कर्नाटका गुलबर्गा शहर में रियासती वजीर बराए वक्फ पी जेड समीर अहमद ख़ान ने वक्फ अदालत मुनक़िद करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गुलबर्गा ज़िले में 3,600 एकड़ वक्फ ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है। ज़मीर अहमद ने आवाम से गुजारिश की है कि वक्फ की ज़मीन अल्लाह की अमानत है, अगर एक इंच भी कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो हश्र के दिन अल्लाह को जवाब देना होगा। ज़मीर अहमद ने मज़ीद कहा कि पिदर, हावेरी, गदक और कई अजला में वक्फ ज़मीन को नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया है, उस पर रियासती वक्फ बोर्ड एक्शन लेकर वक्फ ज़मीन को वापस लिया जाएगा। ज़मीर अहमद ने कहा कि रियासत कर्नाटका के 16 ज़िलों में वक्फ बोर्ड की जानिब से वुमेंस कॉलेज बनाए जाएंगे, अवामी सहूलत के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी, मरहूमीन के लिए जनाजे ले जाने के लिए सहूलत मुहैया की जाएगी, कब्रिस्तानों को सहूलत मुहैया करते हुए रोशनी का इंतज़ाम किया जाएगा। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी, उर्दू न्यूज़। बिदर के अंदर टोटल वक्फ अदालत करने के बाद टोटल बिदर के अंदर बिदर में अभी तक 560 खाते हुए वक्फ अदालत करने के बाद बिदर में हावेरी, हुबली धारवाड़, गदक, कारवार में यानी 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वक्फ अदालत करने के बाद 507 खाते बने। जैसे कि बिदर के अंदर 130 पर 6 खाते, इसके पहले 60 पर 7 खाते दिए गए थे, तभी जब हमने वक्फ अदालत किया उसी दिन 67 खाते रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गए थे। उसके बाद अभी हम लोग ने उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग उनसे बात करके क्या डेवलपमेंट है पूछ रहे, तो उसके बाद 130 पर 6 खाते गुलबर्गा के अंदर ने हुबली धारवाड़, गुलबर्गा के हुबली धारवाड़ वक्फ अदालत होने के बाद 130 पर 6 खाते हुबली धारवाड़ के बने, कारवार के 60 पर 7 खाते, हावेरी के 132 खाते, गदक के 30 पर 9 खाते और ऐसे ही टोटल 507 खाते वक्फ अदालत होने के बाद 60 डिस्ट्रिक्ट में जो 15 साल से जो खाते नहीं बने थे वो खाते 507 खाते वक्फ अदालत के ये वक्फ अदालत करने के बाद मिले। उसके अंदर फ्लैग ऑफ होते हैं, जो खाते बनने के बाद फ्लैग ऑफ होना चाहिए, इसमें कोई भी अपडेट होता है तो उसके टोटल 380 पर तो फ्लैग ऑफ हुए। जैसे कि बिदर के अंदर 130, हुबली धारवाड़ के अंदर 107, कारवार के अंदर 40, हावेरी के अंदर 60 पर 60, 30 पर 60 गदक के अंदर, यानी 380 पर तो फ्लैग ऑफ हुए। इंकरेजमेंट का जो है बिदर का हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात किया था, टोटल बिदर के अंदर 11 इंकरेजमेंट हुए थे, 11 के अंदर 4 इंकरेजमेंट में वापस दिया गया, हैंड ओवर कर दिया हमारे को। अभी उसके अंदर 7 कुछ बाकी है, 7 का उन्होंने फिर दोबारा उसमें दो कुछ कोर्ट के केसेस है, कोर्ट के केसेस है तो जब तक कोर्ट का केस क्लियर नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने 1 महीने का टाइम मान लिया। ऐसा ये वक्फ अदालत करने से बहुत से हमारे को फायदे पहुँचे। सर, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में गुलबर्गा में ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा है कि लोग बात नहीं कर सक रहे हैं। नहीं, क्या दोबारा एक बार गुलबर्गा के अंदर इंक्रोचमेंट ज़्यादा है, जो डिटेल की जगह तो गुलबर्गा के अंदर टोटल प्रॉपर्टी जो है 21,440 एकड़ है गुलबर्गा के अंदर, उसके अंदर इंक्रोचमेंट 3,610 इंक्रोचमेंट, वैसे ही है इसके अंदर यादगिरी के अंदर 6,174 एकड़ हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इंक्रोचमेंट बहुत कम यानी 10% भी नहीं है, खाली ये 123 इंक्रोचमेंट हुआ। तो इसी वजह से हमने ये वक्फ अदालत करने के बाद कल्चर डिपार्टमेंट की मीटिंग करके जितने भी इंक्रोचमेंट हुए, अभी गवर्नमेंट से भी बहुत से इंक्रोचमेंट हुए, प्राइवेट के बहुत इंक्रोचमेंट, ज़्यादातर प्राइवेट वाले, और प्राइवेट में हमारी दुख की ये बात है गैर कौम से ज़्यादा मुसलमान में इंक्रोचमेंट है। मैं उनसे आपके माध्यम मुखांतरा उनसे आजिज़ाना में गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी जो है अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, ये अल्लाह की आस्ती होती है, ये प्रॉपर्टी ना तुम्हारी ना मेरी, ये प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है। मेहरबानी से जो जो भी इंक्रोचमेंट करे मेहरबानी से अल्लाह का वास्ता देता हूँ तुम्हारे को, वापस कर देना, वापस वक्त कर देना, अगर राजीनामा दर्ज करता हूँ। मेरे को खुशी भी हावेरी के अंदर एक हमारे बुजुर्ग एक ऑलमोस्ट उनकी 67-70 ईयर्स ये जो बोलते हैं वो भी वो प्रोग्राम के अंदर रहते, वक्फ अदालत के प्रोग्राम में रहते, हमारा तकरीर सुनने के बाद उन्होंने इंक्रोचमेंट कर दिया था हावेरी के अंदर, उन्होंने वापस जाके दूसरे दिन नहीं मेरे से गलती हो गई थी, अल्लाह की प्रॉपर्टी ये तुम वापस लो करके उन्होंने दे रखकर वापस कर दिया। तो वैसे ही आवाम से मैं आज जरा गुजारिश करता हूँ, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं, आखिरत में जाने में कोई भी कुछ लेके जाता नहीं, अल्लाह के बहुत बड़ा पूछ होता है इसका।
ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, वो आदमी क्यों करता है? उनके माँ के रिश्तेदार होते हैं, बाप के रिश्तेदार होते हुए, उनकी बीवी के रिश्तेदार होते हुए वो क्यों करता है? क्योंकि कौम को फ़ायदा पहुँचे करके। ये सीधा अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई, ये ना तुम्हारी ना ये मेरी है। अभी हमारी प्रॉपर्टी, अभी इंक्रोचमेंट, अभी टोटल हमारे कर्नाटका के अंदर 101,11,000 एकड़ है टोटल। कितने एकड़ है? 111,000 एकड़ वक्त की है सर। कितने? 111,000। उसके अंदर सिर्फ हमारे हाथ में कितने बोलो? 23,000 चिल्लर ही हमारे हाथ में है। उसके अंदर खाली 23,000 चिल्लर है, 23,000 चिल्लर है। 85,000 इंक्रोचमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट है, प्राइवेट इंक्रोचमेंट है, नॉट इवन 10% 20, खाली 70% इंक्रोचमेंट है, 70% इंक्रोचमेंट। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वक्त की प्रॉपर्टी बराबर हम यूटिलाइज करेंगे तो हम गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को हम फंडिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हम फंडिंग कर सकते हैं। तुम्हारे से आजी जाना गुजारी, मेहरबानी करके ये अल्लाह की हमारी प्रॉपर्टी अगर इंक्वायरमेंट है तो क्या करते हैं? हमारी प्रॉपर्टी अगर इंक्वायरमेंट है तो हम चुप बैठते, हम क्या करते हैं? कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए जद्दोजहद करना कि नहीं करना? अभी हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो हम क्या करते हैं? हम कोर्ट जाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कैसे भी करके हासिल करने की कोशिश करते हैं। मगर ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, हम लोग कोर्ट की कैसे बैठे? ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। इस वजह से आज तक किसी मिनिस्टर ने ये काम नहीं किया था, वफादारत लगा नहीं, किसी ने किया नहीं, किया मैं किया नहीं किया मालूम। अल्लाह मियां ने मेरे को जवाबदेन किया, कल का दिन ये डर के मैं कर रहा हूँ ये काम क्यों कर रहा हूँ? अल्लाह मियां ने मेरे को एक मौका दिया, मौका मिनिस्टर बना के कल मेरे को एक ना एक दिन जाना है, कल का दिन मेरे को अल्लाह के हशर के मैदान में पकड़ होगी करके डर के मैं गुनाह से बचने के लिए काम कर रहा हूँ। ज्यादातर मुस्लिम लीडरों के ऊपर ये इल्जाम है सर, इलेक्ट होने के बाद मुस्लिम लीडर आनी है बटोर की जमीनें कब्जा करें। गुलबर्गे में ज्यादातर आप देखिए कई मॉल यहाँ पर बनाए गए हैं, कई बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। सुनो, टोटल कर्नाटका के अंदर वोट की ऐसे प्रॉपर्टी 111,000 एकड़ कितना बोलते एकड़। उसके अंदर हमारी वक्त में कितना, हमारे हाथ में कितनी है? 23,620 एकड़ हमारे हाथ में है। बचत की 85,555 एकड़ इंक्रोचमेंट है। और मैं इतना ही बोलता हूँ, ये वक्फ के अंदर सोचना तो दूर की बात है, अगर अगर लेना तो दूर की बात, अगर सोचेंगे ना आप हमारे बच्चों को कीड़े पड़ के मरेंगे। मेहरबानी करके, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, आज तुमको भी जाना है, मेरे को भी जाना है, हरेक को जाना है। इधर रहना कोई नहीं है, खाली आता है, खाली आता है। इसके लिए मैं स्पीच में बोला, मेरी एक अंगूठी एक निशानी आई है, बचपन से डालते आ रहा हूँ ये अंगूठी, बचपन से डालते आ रहा हूँ, कम से कम 35-40 साल से डाल रहा हूँ। इसकी अब लगभग कीमत 90 लाख रुपये होगी। मैं मानना है, मेरे बच्चों को मालूम है कि हमारे पापा के अरमान है, ये अरमान की निशानी है करके। मेरे बीवी को भी मालूम है, मेरी माँ को भी मालूम है, मेरे भाइयों को भी मालूम है। मैं मरने के बाद ये लोग छोड़ते हैं। कोर्ट की आस्ती कोई भी एक इंच अगर लिया है अशर के मैदान में, बहुत बड़ी पूछ होगी। गुलबर्गा में सबसे ज़्यादा केसेस कौन से हैं? वही तो बता, इंक्रोचमेंट। अभी बोला ना, गुलबर्गा के अंदर 360 पर 8 केसेस है। उसके अंदर 102 केसेस जो है इंक्रोचमेंट सर्वे खाते बनाना करके, बचत के 50/5 का खबरस्थान का जो प्रपोजल है उसके लिए 200 ग्रांट के लिए और मुतलिस बिठाना करके। इंक्रोचमेंट का जो है टोटल आके 23,000 एकड़ हमारा, इसके अंदर 21,440 एकड़ टोटल लैंड जो वफ़ा है गुलबर्गा के अंदर, उसके अंदर 3,610 एकड़ इंक्रोचमेंट हुआ है। अभी उसको हम लोग निकालने की दरगाहों के इश्यूज भी आपके पास है कि भाई हम इसके दरगाह के मुतवली थे, हम थे फलाते, तो उस पर आप क्या नजर डालने वाले? उसका बात भी होगा, कमेटी का सब बात भी जी। मेरा कब्जा करके बैठे, मेरा एक ही इंटेंशन है, पहला जो है इंक्रोचमेंट निकालना, हमारी वक्त प्रॉपर्टी वापस देना और वो प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके। मैं इसके पहले आपको बताया जी, अगर वक्त की जो आस्ती है 1,11,000 10 लाख से भी एकड़ डालेंगे तो प्राइम लैंड कितने बेंगलुरु सिटी में भी बहुत है, गुलबर्गा सिटी में भी बहुत है। बेंगलुरु सिटी में लगभग एक एकड़ जो है 15 करोड़ 20 करोड़ को मत जो आप खाली 10 लाख से हिसाब डाल लो, 1,11,000 एकड़ को 10 लाख से आप हिसाब डालेंगे तो 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। सही, आप
लाख ऑर्डर डालने तो कितना हो गया एक्सप्ला रिपोर्ट ना जी। अगर वर्कपोर्ट की प्रॉपर्टी करेक्ट हम यूटिलाइज करें तो गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत है, गवर्नमेंट को ही फंडिंग कर सकते। रवि साहब, आपके वक्फ के जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कई सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, साथ दे रहे, सपोर्ट नहीं करते, वर्कपोर्ट का जैसे भी नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे भी मिनिस्टर बना था वर्कपोर्ट के ऑफिसर भाई हमारे अनुभव पहुंचा था, चेयरमैन मिल के वर्कपोर्ट की ऑफिसर्स की मीटिंग करें तो उनको उसी टाइम डायरेक्शन दिया था भाई अगर वक्त में आपको काम करना है तो नॉन करप्ट होना चाहिए जी। अगर आप पैसे की लालच है तो मेरे को बोलो, जहाँ पौना पोस्टिंग वही करा देता हूँ। आपको अगर पैसा कमाना है पोस्टिंग वही करा के देता हूँ, वक्त बोर्ड के अंदर नहीं लेना तो दूर की बात, सोचना भी गुनाह है। तो वैसे आदमी वक्त बोर्ड में काम करना करके, और थोड़ा शॉर्टेज भी है, स्टाफ नहीं है करके नहीं, थोड़ा शॉर्टेज भी है। हम एफडी को फाइल कीजिए, वो इंशाल्लाह अप्रूव हो के आएगी। अब आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारा 30% डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा वक्फ की सही से ढंग से ऑफिस भी नहीं है जी। सही से ऑफिस ढंग से ऑफिस भी नहीं है तो वो ऑफिस बनाने का भी प्रपोजल नेक्स्ट बजट के अंदर रखा हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हाईटेक एक ऑफिस बनाना करके, हाईटेक ऑफिस बनाना करके। सर जहाँ जहाँ जमीन कब्जा की गई है वहाँ पर डिपार्टमेंट भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, जैसा कि चेयरमैन वगैरह जमा जाने के बाद क्या होता है, कोई काम नहीं हो रहा। सुनो भाई, अभी वक्फ का भी गुलबर्गा और यादगिरी का हमने वक्फ अदालत किया, वक्फ अदालत करके हम बेंगलुरु नहीं करें। कल कंसल डिपार्टमेंट की मीटिंग है, जैसा डी सी सी ओ ए सी तहसीलदार म्यूनसिपालिटी कमिश्नर आर डी पी आर वाले पुलिस एस पी आई जी तमाम रहते हैं। अभी एनक्रोचमेंट के लिए फोन करना, डी सी के साथ साथ में पुलिस का भी सपोर्ट करना, तो सबकी मीटिंग होती है और उनको एक महीने का डेडलाइन दिया जाता है। एक महीने के डेडलाइन के अंदर, एक महीने का डेडलाइन देके भी हम लोग उनको छोड़ रहे नहीं, उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने बीदर के अंदर अभी तीन एक चार दिन का पिछली बार हम के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर रहे हैं, वैसा हम लोग काम कर रहे हैं। सर ये सर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लेके है, जो हम लेके हैं, ये जानबूझ के शरारत है, ये शरारत है बीजेपी की। वजह उसकी क्या है, हम लोग की गलती है। हम लोग की गलती कैसे है, अभी कर्नाटका स्टेट पूरे स्टेट की, हिंदुस्तान में पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि कर्नाटका स्टेट में ये वक्फ की प्रॉपर्टी खाली छोड़ने की वजह से उनकी नज़र पड़ी जी। अगर हम लोग डेवलप करते तो उनकी नज़र कहाँ से पड़ती थी? आज ये उनकी नज़र क्यों पड़ी, उनका सोच क्या है, उनका क्या है सोच है, बिल्ला करने का उनका मकसद क्या है, उनकी सोच क्या है। ये पूरी वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट से ली गई प्रॉपर्टी करके, हमने वक्फ का, मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, 1,11,000 एकड़ के अंदर एक इंच भी हमने गवर्नमेंट से नहीं ली जगह। गवर्नमेंट से सिर्फ खबरस्तानों के लिए जगह लिया गया है, वक्फ बोर्ड के लिए हमने एक इंच भी लिया, उल्टा गवर्नमेंट हमारी जगह अक्वायर करके, वक्फ बोर्ड की जगह गवर्नमेंट अक्वायर करके इस बिल को, अब सबसे पहले स्टेट के अंदर हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने इसका विरोध किया। हमने उन्हें एक डाटा भेजा था इन्फॉर्मेशन करके, इन्फॉर्मेशन देना करके, वो इन्फॉर्मेशन भी देना नहीं करके हमारे स्टेट से हमने रिजेक्ट किया। सर एक बड़ी कामयाबी मिली कल वक्फ कैबिनेट में, वक्फ वुमेंस कॉलेज के लिए मंजूरी मिली, एक बड़ी कामयाबी वक्फ की मानी जाती नहीं, कब बनेंगे वो कॉलेज? अभी देखे हुए पिछली बीजेपी हुकूमत के अंदर हिजाब का मसला ले गया कि बहुत से हमारे बच्चे जो कॉलेज को जाते थे वो ड्रॉप आउट हो गए थे। वो सोचते आने वाले दिन कैसे आते मांगने, आने देने वाले कौन सी गवर्नमेंट आती मांगने, तो हमारी वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों बगैर तालीम के आज कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे बच्चों को तालीम होना, हमारे भाई को बच्चों को खासकर तालीम होना करके 50 वक्फ बोर्ड से इस बार पहली बार कर्नाटका के अंदर ही, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किधर भी नहीं जारी किया कि हमारे स्टेट के अंदर पहली बार कल कैबिनेट ने अप्रूव किया 47.76 करोड़ का 15 डिग्री कॉलेज शुरुआत है। ये शुरुआत में 15 डिग्री कॉलेज बनना करके अभी अप्रूव किया है, 15 दिन में इंशाल्लाह संघीय बुनियाद का काम करेंगे। बाद में बीजेपी हुकूमत आने दो, कोई भी हुकूमत आके कोई भी कुछ नहीं है, अपने खुद की कॉलेज है तो हमारे बच्चों को सेफ रहता है। उस तरह से कॉलेज बनाए जा रहे हैं, उस तरह से गरीब महिलाओं के लिए मैनॉरिटी हॉस्पिटल बहुत सी बैठक होना, मेरा एम बहुत बड़ा है, सिर्फ नहीं वक्फ की जगह के अंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए, इसमें घर बना के आप स्कूल में भी बना रहा। अभी जैसे कि गुलबर्गा के अंदर नॉर्थ साउथ करके दो आता है, नॉर्थ के अंदर कुछ 2 लाख की आबादी है मुसलमानों की, साउथ के अंदर कुछ 1 लाख की आबादी है, साउथ के नॉर्थ के अंदर जो 2 लाख की आबादी है, 2 लाख भी बेघर करके बता रही, उसके अंदर 10-15 हज़ार बेघर होते हैं। वैसे उनको वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर घर बन के रेंटल देना, रेंटल मतलब रिटेबल 200-300 में रेंट देने का, वो भी मेरा सोच है। सर गुलबर्गा हमेशा मुस्लिम हुक्मरान का इलाका रहा है, सबसे ज़्यादा हम पार्टी अदालत में, क्या क्या नहीं लगता आपको ये काफ़ी मुस्लिम लगा है यहाँ पर लोग अदालत करने के लिए, वक्फ अदालत करने के लिए दबाव कुछ क्या फेस कर रहे हैं? ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, दबाव में आना सवाल ही नहीं पैदा होता।
जो हशर के मैदान में जाके जवाब मेरे को देना पड़ता है, जो प्रेजर करता वो जाके जवाब नहीं होता, जो प्रेजर करता वो जाके जवाब देता नहीं। मेरा अगर बाप भी रहेगा तो इसके अंदर इसमें छोड़ने का सवाल नहीं पड़ता। शुक्रिया सर। हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर चेन्नई हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9989 8654 4971